अस्सलाम वालेकुम, मरियम किचन में आप सबों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन के सरौले। उसके लिए 2 प्याज ली हूँ, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 5-6 दालचीनी ली हूँ और 5-6 इलायची है। और टेस्ट के लिए थोड़ी सी फीके बना रही है गोश्त के, उसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी हम शक्कर डालेंगे। और ये नारियल का दूध, एक नारियल का दूध है वो गट्टा गट्टा, ऐसा गाढ़ा दूध निकाल के रखें थोड़ा सा। और ये सरौले, अभी मैं ये प्याज को पीस के लूँगी, उसमें हल्दी भी डालती हूँ सौंफ भी डालती हूँ एक साथ। और इसको अब थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर, चूल्हा ऑन करके कढ़ाई रखी है। अब इसमें घी डालेंगे, डेढ़ चम्मच घी डालें, मैंने आधा किलो एक गोश्त ली हूँ। आपको अगर ज़्यादा बनाने हो अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा चिकन चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने अभी आधा किलो ही ली हूँ। अभी इसमें दालचीनी इलायची डालेंगे, इसमें भी प्याज डालेंगे, सौंफ, प्याज, हल्दी। अदरक भी डालेंगे, इसमें गोश्त वाले सरौले में सिर्फ सौंफ और अदरक और प्याज लेने का, और दालचीनी इलायची, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालना। सरौले में नमक है, पहले मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी सरौले में नमक है, लेकिन ये मसाले में मैं थोड़ा चुटकी भर डालती हूँ। अब मैं इसमें मसाले में पहले गोल भूनूंगी और इसको हम ढक कर रखेंगे। अभी हम इसमें दूध डालेंगे नारियल का, और इसी में सरौली भी डालेंगे। थोड़ा पानी लगेगा, इसको ही हिला के पानी डालेंगे। और थोड़ी इसमें टेस्ट के लिए शक्कर डालेंगे, क्योंकि ये फीके बनाने के गोश वाले, तो मैं हिलाती और फिर दिखाती हूँ मिक्स करके। 1 गिलास के जितना मैंने नारियल दूध डाली थी, अब ये इसमें पानी लगेगा थोड़ा, एकदम भी ज़्यादा नहीं लेना, वो नरम होने पर अच्छे नहीं लगते हो सरौले, ऐसे सूखे सूखे रहते अच्छे लगते। इसको मैं दम में रखती थोड़ा जोश आने तक, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं, कच्चा है। सरौले हमें बीच में एक बार चेक की थी, सरौले पक चुके हैं, तैयार हुए, चिकन भी गला है। मैं अभी इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए चिकन के सरौले तैयार है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि नादिया नज़ीर ने मुझे कमेंट करके बताई कि सरौले की रेसिपी अपलोड करो। मैंने उसके ख्वाहिश पे सरौले बनाई हूँ और टेस्टी भी हुए हैं।
और शुक्रिया नादिया बहुत बहुत। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मैं और एक अगले रेसिपी में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।